दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्क के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान है और आप बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे उसको करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हम आज के इस वीडियो में जिस वर्क के बारे में बात करने वाले हैं वो है दोस्तों ट्रांसलेशन वर्क। यानी कि आपको दो लैंग्वेज के बारे में कुछ नॉलेज है तो आप यहाँ पे ट्रांसलेशन का वर्क करके बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे आपको हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे ढूंढना चाहते हैं सब लैंग्वेज मिल जाएंगे। बस यहाँ पे आपको काम करके अर्निंग करना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं लिखा है जनरल ट्रांसलेशन पार्टनर एजेंसी साइन अप, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स हैं, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ और इनमें जाकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जस्ट आपको 10-15 मिनट लगते हैं लेकिन आपका जॉब अगर जो लग जाएगा इसमें, तो आप सोचिए कि एक बार मेरा वीडियो देखना है आपको, उसके बाद दोबारा आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। किसी भी बंदे का अगर जो आप वीडियो देखते हैं और आपका जॉब लग जाता तो जॉब लग जाएगा भाई, तो आपको 10-15-20 हजार की सैलरी हर महीने मिलती रहेगी। तो आपको किसी और बंदे का वीडियो देखने की क्या जरूरत है या फिर दोबारा ही आपको मेरे वीडियो देखने की क्या जरूरत पड़ेगी। बस आपको यहाँ पे धैर्य रखना है और अच्छे से आपको यहाँ पे काम करके अप्लाई कर देना, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम इस वेबसाइट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। लैंग्वेज के बारे में जो आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा एनी लैंग्वेज, यानी कि आप किसी भी लैंग्वेज में जाकर के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल में आ जाना एंड सर्च कर लेना है लाइन बिग ग्रेट। तो आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, आपको वेबसाइट वाले ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना, ठीक है। क्योंकि वेबसाइट पे आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे जॉब का ऑप्शन मिल जाएगा, इसी पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे तो करंट जॉब ओपनिंग दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं जब ओपन कर रहा हूँ तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा अलग जॉब हो, जब आप ओपन करें तो और भी जॉब हो सकते हैं, अलग अलग जॉब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे जॉब आते हैं वैसे वैसे आपको यहाँ पे जॉब मिलते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो जॉब यहाँ पे आज दिखाई दे रहा है वो एक महीने बाद में दिखाई देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो जॉब है वो फिल हो जाएंगे तो आपको दूसरा जॉब यहाँ पे मिलेगा, उस जॉब में जाकर के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस वेबसाइट यही रहेगी, जॉब आपको अलग अलग मिलते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कॉर्पोरेट एसोसिएट से रिलेटेड कोई जॉब है एंड उसके बाद ट्रांसलेटर से रिलेटेड जॉब है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, एंड यहाँ पे ये भी कोई जॉब्स है एंड गेमिंग से रिलेटेड भी जॉब्स है। तो गेमिंग से रिलेटेड क्या जॉब्स है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। लर्न मोर पे मुझे क्लिक कर देना है, आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, आपको ज्यादा वेबसाइट पे भटकने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मैं यहाँ पे आऊंगा एंड दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे किस तरह के जॉब्स है। तो व्यू ऑल जॉब्स का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे कुछ जॉब्स मिल जाएंगे, तो देख सकते हैं टेस्टिंग से रिलेटेड जॉब्स, ठीक है। गेम से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हो गया, कोई वेबसाइट होगा, उसको टेस्ट करके आपको अर्निंग करना। तो सिंपल सा आप सोचिए कि कितना बेस्ट वर्क है, ठीक है। आपको टेस्टिंग के वर्क के लिए बड़ी बड़ी वेबसाइटों को ज्वाइन करना पड़ता है, वहां पे जॉब जल्दी मिलते ही नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जॉब्स ऑलरेडी पड़े हैं, देख सकते हैं कितने जॉब्स हैं आप यहाँ पे, 33 जॉब्स हैं जिसपे आपको सिर्फ टेस्टिंग का काम करना है। सॉफ्टवेयर टेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे, एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी टेस्ट करके आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला जॉब है टेस्टर का, तो इस पे आपको जस्ट क्लिक कर देना, अभी ट्रांसलेशन का वर्क भी बताऊंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जॉब्स है ऑलरेडी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है आप जाकर के यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल आप अपना डालेंगे एंड यहाँ पे आपको जस्ट इनको सेंड कर देना है। क्या क्या डिटेल आपके पास होना चाहिए वो भी यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके पास क्या विड्रॉ मेथड होना चाहिए, क्या वर्क शेड्यूल है, सब कुछ आपको यहाँ पे बताया गया है। तो सब कुछ आप आकर के रीड कर लेंगे। अब एक जॉब को अगर जो मैं रीड करके बता भी दूं तो आपको सारे डिस्क्रिप्शन तो समझ में आएंगे नहीं, क्योंकि हर एक जॉब का अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है, इसलिए मैं आपको रीड करके डिस्क्रिप्शन किसी का नहीं बताऊंगा, क्योंकि रीड करूंगा तो आपको 10-5 मिनट और वेस्ट करना पड़ेगा और अलग अलग डिस्क्रिप्शन होते हैं हर एक जॉब का, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। हम यहाँ से बैक आ जाते हैं एंड यहाँ पे आपको दोस्तों साइड में फिल्टर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे रिमोट जॉब करना चाहते हैं, सारे जो जॉब है दोस्तों वो वर्क फ्रॉम होम है एंड रिमोट है, देख सकते हैं। रिमोट मतलब होता है दोस्तों आप कहीं पे भी जाकर के इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास कोई पार्टिकुलर जगह हो तभी वहीं से कर सकते हैं, आप कहीं से भी करिए इसको, ठीक है। देन यहाँ पे टेस्टिंग से रिलेटेड चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कॉन्टेस्ट एंड गेम टेस्टिंग से रिलेटेड चाहिए, सारे जॉब्स यहाँ पे हैं। कंट्री के हिसाब से भी इसको फिल्टर कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जर्मनी, पोलैंड, मैक्सिको, जिस भी कंट्री से आप यहाँ पे मतलब फिल्टर करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे सिटी के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं एंड यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से भी फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है।
तो जबरदस्त वेबसाइट है। अब यहाँ पे हम चलते हैं ट्रांसलेट वाले में, क्योंकि मैं आपको ट्रांसलेशन जॉब कॉल करके लाया हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड भी डिटेल आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लर्न मोर का जो ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना। अभी आपको कैसे अप्लाई करना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड उसके बाद व्यू ओपन प्रोजेक्ट का जो ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद नीचे देख सकते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे जॉब मिल जाएंगे। सेम फिल्टर यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से लगा सकते हैं, कंट्री के हिसाब से लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं लैंग्वेज सोर्स तो आपको मैंने बता दिया। एंड यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज का हिसाब से भी आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज को आप केवल टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंग्लिश पे सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड भी जितने जॉब्स होंगे वो दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज छोड़ देते हैं, क्योंकि हमको ऑल लैंग्वेज पे काम करना है, तो यहाँ पे हम इसको अनटिक कर देते हैं। अनटिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सारे जॉब ओपन हो गए। एंड यहाँ पे लोकेशन आपको देखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर जो एनी वेयर लिखा है तब आप उस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आपको पार्टिकुलर किसी जगह का नाम लिखा गया है तो आप उस जॉब में अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो जॉब होगा वो पार्टिकुलर उस एरिया से रिलेटेड होगा, ठीक है। उस एरिया में आप रहते होंगे तभी आप उस जॉब को कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एनी वेयर वाला जॉब ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जॉब है, 48 जॉब अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब अगर जो आपको किसी भी जॉब में जाकर के पार्टिसिपेट करना है तो सिंपल सा उस जॉब पे आपको जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे कि अगर जो आपको कोरियन टू इंग्लिश में पार्टिसिपेट करना है, या फिर आपको मैं ये वाला जॉब दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें हिंदी लैंग्वेज भी है, हर एक लैंग्वेज है, तो इस पे मुझे क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जनरल ट्रांसलेशन है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज का बंदा जा करके एक बार अप्लाई कर सकता है। अगर जो आपके पास स्पेनिश, अरबिक एंड पोर्टुगल का तीन लैंग्वेज अगर जो है तो आपको जॉब पक्का मिलने वाले हैं। एंड उसके अलावा एनी वेयर वाले लैंग्वेज वाले बंदे भी जाकर के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी जॉब मिल सकता है। अब यहाँ पे हम किसी एक जॉब में आपको साइन अप करके दिखा देते हैं। उसके लिए हम यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद दोस्तों कोई एक अच्छा सा जॉब मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं ये एक जॉब है, इसी को मैं ओपन करूंगा। अब इस जॉब को मैंने ओपन किस लिए किया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एनी लैंग्वेज यहाँ पे भी दिखाया गया है। अब वहां पे जो मैंने पहला जॉब ओपन किया था वहां पे आप कोई भी लैंग्वेज में जाकर के पार्टिसिपेट तो कर सकते थे, बट वहां पे एनी लैंग्वेज नहीं लिखा था, इसलिए मैंने दूसरा जॉब ओपन कर लिया। इसमें एनी लैंग्वेज लिखा भी है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस जॉब का नाम भी आप दे सकते हैं। अगर जो एक दो दिन के अंदर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप डायरेक्ट जाकर के इसी वाले जॉब टाइटल को सर्च करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके बारे में जो भी डिटेल दिखाया गया वो आकर के आप रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइन अप करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे साइन अप फॉर नाउ का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन अप नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा। एंड यहाँ पे दोस्तों एक्सेप्ट कुकीज का जो ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। आप अलग अलग जॉब में क्लिक करेंगे दोस्तों तो हो सकता है आपके सामने जो साइन अप फॉर्म हो वो थोड़ा सा अलग ओपन हो, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। देन यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये तो अभी लाइन बी ग्रेट वेबसाइट पे अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। तो लाइन बी ग्रेट वेबसाइट पे अगर जो भी आप अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने इस तरह के दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक फ्रीलांसर एक एजेंसी। तो आपको एज ए फ्रीलांसर यहाँ पे काम करना, तो यहाँ पे फ्रीलांसर डालेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। देन यहाँ पे चॉइस फाइल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अपना रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना है। अब रिज्यूमे कैसे आप बनाएंगे दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल में सर्च कर लेना है कैनवा। अगर जो आप मेरे वीडियो को पार्टिकुलर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि कैनवा क्या है, और सबसे बेस्ट एक टूल है जहां से आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ रिज्यूम क्रिएट करने का। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको अपना नाम एड्रेस जो भी डालना है वही आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है रिज्यूम सिंपल। तो आप यहाँ पे रिज्यूम सिंपल जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारे रिज्यूम से रिलेटेड टेम्पलेट्स आ जाएंगे। इनमें से कोई भी टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो आपको थोड़ा सा अच्छे से बनाना है तो आप इनमें से कोई ये वाला टेम्पलेट जैसे चूज कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि मुझे एकदम सिंपल सा टेम्पलेट चाहिए तो आप ये भी टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। एंड कस्टमाइज दिस टेम्पलेट्स का आपसे इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे अपना नाम एड्रेस जो भी है केवल चेंज करना है, बस और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है, उसके लिए यहाँ पे डबल क्लिक करना है। एंड यहाँ पे इसको पूरा सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। जैसे कि मेरा नाम जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल जो है इसके जगह पे आप अपना फोन नंबर डाल देंगे। अगर जो फोन नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो आप यहाँ से फोन नंबर हटा भी सकते हैं। आप पूरा फोन नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। फोन नंबर सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देन यहाँ पे दोस्तों आप अपनी ईमेल आईडी को डाल देंगे। एंड यहाँ पे आपको अपना वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक डाल देना, अदरवाइज आप अपने सोशल मीडिया का लिंक भी यहाँ पे डाल देंगे। देन यहाँ पे आप पूरा डिटेल इसी तरह आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरा फोन नंबर जो है वो यहाँ से चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट है ये थोड़ा सा मैं नीचे करके इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ, एंड इसको ऊपर नीचे भी कर सकता था, ठीक है। जैसे कि अगर जो आपको सभी को ऊपर करना तो यहाँ पे पूरे को सेलेक्ट करेंगे।
एंड पूरे को ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जो डिटेल है वो आप यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, समरी यहाँ पे डाल दीजिएगा, वर्क एक्सपीरियंस जो है आप 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस जरूर ही डालेगा, एंड स्किल आपके अंदर क्या क्या है वो डालेंगे। जो चीजें आपको नहीं डालना है उस चीज को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन डिलीट का ऑप्शन इस पे क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप अपना रिज्यूम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर जो कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको जैसे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे अगर जो बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसमें सेलेक्ट करेंगे, आपका देख सकते हैं बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। चेंज होने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करेंगे शेयर पे, एंड यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके आप इस रिज्यूम को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका ईमेल एड्रेस है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चॉइस फाइल का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अपने रिज्यूम को यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। तो रिज्यूम अपलोड करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे जैसे ही चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे आपका कंप्यूटर ओपन हो जाएगा, अगर जो मोबाइल फोन में यूज कर रहे हैं तो गैलरी ओपन होगा। देन अपने फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इनका जो पूरा साइन अप फॉर्म होगा वो ओपन हो जाएगा, एंड यहीं से आप अपने डिटेल को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो वेबसाइट है वो आपसे पूरा अच्छे से यहाँ पे अकाउंट बनवाएगी, इसीलिए आपको यहाँ पे पूरा डिटेल सही से फिल करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना, तो आप अपना नाम यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका नाम है। आप यहाँ पे अगर जो फीमेल है तो आप मेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर जो फीमेल नहीं है तो आप MR भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से अपना नाम डाल देना, लास्ट वाला जो भी आपका लास्ट नेम है, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको पोजीशन होल्डर डालना है। तो ये ऑप्शनल है, जिनके आगे स्टार लगा है उसको ही सिर्फ आपको फिल करना है, अदरवाइज आप अगर जो जिनमें स्टार नहीं लगा उनको भी फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, बट अगर जो करना नहीं चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंपनी नेम जो हो गया वो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे अपना डिटेल डाल देना है, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देंगे, एड्रेस लाइन 2 में डाल देंगे। कंट्री आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेंगे, आप इंडिया से तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, दूसरे कंट्री से तो दूसरा कंट्री आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सिटी एंड टाउन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका सिटी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे दोस्तों आपको टाइम जोन अपना सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी आप किस में विड्रॉ लेंगे तो आप US डॉलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड इंडियन रुपीज भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने इंडियन रुपीज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो मदर लैंग्वेज है वो क्या है, तो मेरा मदर लैंग्वेज हिंदी है यहाँ पे, तो मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आता है। जैसे कि अगर जो हिंदी यहाँ पे इंडिया का आता है तो हिंदी इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना जिप कोड डालना है, एंड यहाँ पे फोन नंबर आपको अपना सही कर लेना है, जो भी आपका फोन नंबर है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पे आपको ये डिटेल फिल करना पड़ेगा। यानी कि ये पूछ रहा है कि भाई आप किस एरिया में एक्सपर्ट है, तो वो चीज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, हार्डवेयर, यानी कि आपकी स्किल्स क्या है उसको आप यहाँ पे जस्ट टिक करेंगे, एंड यहाँ पे अगर जो आप इसमें नहीं सर्च कर पाते हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग में आप एक्सपर्ट है तो यहाँ पे वीडियो एडिटिंग सर्च करेंगे, लेकिन वीडियो एडिटिंग नहीं है, आपको अपने एजुकेशन से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। जो इसमें है उसमें से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं, एंड उससे रिलेटेड आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चीजें आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट का जो ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पे थर्ड ऑप्शन ओपन हो जाएगा, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहां पे आपको ऐड वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन, इस पे क्लिक कर देना है। स्टार्टिंग ईयर आप यहां पे डालेंगे, जो भी आपका स्टार्टिंग ईयर है, एंड यहां पे डिग्री आप डालेंगे कि कौन सा डिग्री आपके पास है, जो भी डिग्री आप यहां पे डालेंगे, यानी कि जिस भी फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है उसका ही डिग्री आपको यहां पे डालना है। डिग्री का मतलब यही होता है, ठीक है। आपको अपने एजुकेशन का डिग्री नहीं डालना है, जो काम आप यहां पे करने आए हैं उससे रिलेटेड आप यहां पे डिग्री डालेंगे। यानी कि आप यहां पे ट्रांसलेशन का वर्क करने आए हैं तो आप यहां पे किस चीज पे पार्टिकुलर ट्रांसलेशन का वर्क कर सकते हैं। आपको ट्रांसलेशन का वर्क तो करना है, लेकिन ट्रांसलेशन का वर्क भी करने का एक तरीका होता है कि भाई मुझे जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो मैं जर्नलिज्म का कोई भी आर्टिकल है तो उसको मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। मुझे मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है तो मेडिकल लाइन का कोई भी आर्टिकल है तो उसको मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर जो आपको मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट है और आपको कोई केमिस्ट्री या फिर कोई भी चीज़ है जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोई आपको ट्रांसलेशन का वर्क दे रहा है तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत पड़ेगी। तो इसीलिए ये आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला है, और आप ज्यादा से ज्यादा कैटेगरी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
डिग्री लेवल आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आप बैचलर लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर जो भी है बैचलर लेवल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको वर्किंग हावर पार्ट टाइम में करना फुल टाइम में करना है, तो आप पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम सेलेक्ट करेंगे, देन सेव का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है, ये सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और भी वर्क एक्सपीरियंस जो है अपना ऐड करना, तो यहाँ पे ऐड वर्क एक्सपीरियंस का ऑप्शन इस पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे सर्विस योर ऑफर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एआई प्रॉम्प्ट एनोनिमस एआई प्रॉम्प्ट क्रिएशन, इसमें जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो बिगिनर्स इंटरमीडिएट एक्सपर्ट नॉट इंटरेस्ट वो सब कुछ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर जो इंटरेस्ट है तो आप इंटरेस्ट रहने दीजिए, नहीं है इन चीजों में आपको इंटरेस्ट तो आप यहाँ पे नॉट इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे। एंड ये चीज आपको पता है तो आप यहाँ पे किस लेवल पे आपको पता हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर जो नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आप केवल सेलेक्ट करते जाइएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको प्राइजिंग रखना है, तो यहाँ पे एड प्राइज का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप अपना प्राइज भी रख सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बन रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना प्राइज भी रखना है कि मैं ये काम करूंगा इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में चेंजिंग का काम करूंगा तो मैं इतना पैसे लेने वाला हूँ, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे प्राइज भी रख सकते हैं। यहाँ पे प्राइज जो सोर्स लैंग्वेज है वो आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि मुझे इंग्लिश टू हिंदी करना है तो यहाँ पे इंग्लिश मुझे सेलेक्ट कर लेना है। इंग्लिश भी कई तरह का होता है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से जो भी लैंग्वेज आपको आता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि इंग्लिश इंडिया हो गया। एंड यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज क्या है, हिंदी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर जो आप हिंदी में करना चाहते हैं तो, आप किसी भी लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। पार्टिकुलर मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंदी सेलेक्ट करूंगा, हिंदी इंडिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो आप यहाँ पे कैरेक्टर हावर या फिर वर्ड के हिसाब से किस हिसाब से पैसा लेंगे, तो यहाँ पे मैं वर्ड के हिसाब से लूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पैसा वर्ड के हिसाब से लूंगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपर्ट कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि किस कैटेगरी का आप यहाँ पे चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आपको प्राइस सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड का 0.01 डॉलर चार्ज करूंगा, ठीक है। यहाँ पे इंडियन रुपीज है तो यहाँ पे मैं 1 रुपए कम से कम डाल देता हूँ कि एक वर्ड का मैं 1 रुपए चार्ज करूंगा। देन यहाँ पे सेव का जो आपसे इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इंग्लिश यूएस एंड टारगेट लैंग्वेज सोर्स इन द इंग्लिश वेरियंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो लैंग्वेज है वो चेंज करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो लैंग्वेज और प्राइस है वो सब कुछ यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे ऐड हो गया। देन नेक्स्ट का जो आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नेम ऑफ द टूल एप्लीकेशन इस पे आपको जस्ट सेलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे दोस्तों आप अपना टेक्निकल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, जो भी आपके पास टूल है उसका आप एक्सपीरियंस के हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। अगर जो आप ये चीज नहीं डालना चाहते तो आपको जस्ट नेक्स्ट का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे हर हाल में डालना ही है, ठीक है। जो चीजें आपको छोड़ना वो छोड़ सकते हैं। देन यहाँ पे रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डिटेल है, अगर जो आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको भी छोड़ सकते हैं। एंड सबमिट का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है, आपका जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। देन यहाँ पे दोस्तों ये रिव्यू में गया है ये अभी। एंड यहाँ पे क्लोज का जो ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। क्लोज करने के बाद दोस्तों आपका जो भी डिटेल होगा वो इस वेबसाइट के पास सेंड हो जाएगा। अब ये वेबसाइट आपके डिटेल को एक बार रिव्यू करेगी तो आपका जो पूरा डिटेल है वो सही रहेगा, तो फिर आपको यहाँ पे आगे काम करने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको दोबारा साइन इन का ऑप्शन इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे इनका कम्युनिटी मैनेजमेंट वाला ऑप्शन जो आ जाएगा, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और ईमेल एड्रेस डाल करके साइन इन कर सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने जॉब में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट तरीका है आपको किसी भी जॉब में अप्लाई करने का। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स मिलेंगे और उन जॉब को पूरा करके आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को जो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।